जय हिंद दोस्तों। तो दरोगा पोर्टल में आपका बहुत स्वागत है। और एग्ज़ाम के इतने दिन बीत जाने के बाद भी हमारे चैनल से एक भी वीडियो नहीं आया। इसके पीछे दो तीन प्रमुख कारण रही हैं। पहला कारण ये था कि हम लोग चाहते थे कि जो हमारे चैनल से जो भी वीडियो जाए उसमें जल्दीबाजी ना किया जाए। जो भी वीडियो हो उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि आप जब एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो सबसे पहले मोबाइल ही देखे होंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सा सवाल मेरा सही है गलत है, यूट्यूब क्या दे रहा है। हम चाहते थे कि इतना जल्दीबाजी ना किया जाए, क्योंकि असल में क्या होता है कि हम भ्रम में जीते हैं। मेंस तक के प्रीत के रिजल्ट आने तक हम भ्रम में रहते कि पढ़ें कि ना पढ़ें। तो मेरा कोशिश, हम दोनों का कोशिश ये था कि सारे चीज़ क्लियर हो जाने के बाद। तो पहला कारण यही था कि हम लोग कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे। और दूसरा कारण ये था कि कई चीज़ें थी कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, या फर्स्ट सेटिंग में सवाल हार्ड था, सेकंड सेटिंग आसान था। तो हम लोग इस इन्हीं चीज़ों पे बात करना इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला चीज़ ये है, समझिएगा, पहला चीज़ ये है कि हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के जो दो शिफ्ट में हुआ उसमें सवालों का क्या रहा, प्रश्नों का अंतर क्या रहा, और ये कट ऑफ पे कैसे प्रभाव डालेगा अथवा नहीं डालेगा, इस पे हम पहला बात करते हैं। कट ऑफ वाले वीडियो आएंगे, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, एक दो दिन, ज़्यादा नहीं, एक दो दिन। लेकिन उससे पहले हम क्लियर करते हैं कि आपको क्या, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या अगर आप मेंस की तैयारी करने के एलिजिबल हो गए हैं, आपका इतना मार्क्स आ रहा है, तो क्यों लेट किया जाए या लेट नहीं किया जाए, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि पहला शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो प्रश्न था, और सेकंड शिफ्ट का, आज हम लोग आराम से चाहते थे कि इस पे एकदम तुलनात्मक विश्लेषण हो, बढ़िया से हो, जल्दीबाजी में कुछ नहीं। इसलिए हम लोग दोनों शिफ्टों के जो दो लोग थे, बहुत अनुभव लोगों से हमने राय भी मांगा, और खुद हम लोग पर्सनल एनालिसिस भी किया कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था और कौन सा कठिन, और कट ऑफ पे कितना प्रभाव डालेगा। तो बेशक ये यकीन के साथ हम दोनों शिफ्ट में हम लोग प्रश्न देखे हैं, ये कह सकते हैं कि बोर्ड भरसक प्रयास किया है कि दोनों को इक्वल रखा जाए, दोनों शिफ्ट के पैटर्न को इक्वल रखा जाए। पैटर्न बहुत चेंज है, लेकिन कोशिश क्या है कि दोनों शिफ्ट के जो पेपर हैं उनको इक्वल रखा जाए। हाँ, अब क्या होता है कि आप इक्वल जरूर रखना चाहते हैं, आपका उद्देश्य झलक रहा था कि आप इक्वल रखना चाहते थे, लेकिन इक्वल थे या नहीं थे उस पर हम लोग बात करते हैं। जब देखा जाए तो करंट अफेयर की बात किया जाए, तो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में करंट के अफेयर का जो क्वांटिटी और क्वालिटी थे लगभग बराबर थे, लगभग बराबर थे। हिस्ट्री में देखा जाए उसमें भी बराबर थे, ज्योग्राफी में देखा जाए उसमें भी बराबर थे। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो लगभग दोनों शिफ्ट के जो सवाल थे, कोशिश किया गया कि दोनों को बराबर रखा जाए, और लगभग भी बराबर थे। बराबर कहाँ नहीं था उसको समझना है। फर्स्ट सेटिंग के जो इकोनॉमिक्स के सवाल थे और सेकंड सेटिंग के जो इकोनॉमिक्स के सवाल थे, उसमें कुछ एज लिया गया है सेकंड सेटिंग वाला, लेकिन वो एज वास्तव में एक ही दो नंबर का एज है। वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब अस्पष्ट है, लेकिन ये कहा जा सकता है। सवालों को हम लोग भी देखें बहुत गौर से, तो लगभग लगभग दोनों शिफ्ट में होता ऐसा है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत आसान लग रहा हो सकता है कि सामने वाले को वो हार्ड लगे, या जो चीज़ आपको हार्ड लगे सामने वाला को आसान लगे। जनरल कंपटीशन में अमूमन यही चीज़ होता है कि कई चीज़ होता है कि हमको ये बहुत ईजी लग रहा है तो सामने वाला कह रहा है यार बहुत हार्ड है, या हमें बहुत हार्ड लग रहा है सामने वाला को बहुत ईजी लगता है, ऐसा होता है। और एक बात समझने वाली है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो जितना भी सवाल होता है, आसान सवाल भी, उसका एग्ज़ाम का जो दबाव होता है उसमें वो हार्ड दिखता है। लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं, बाहर आते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो हमें वही सवाल आसान दिखने लगता है। तो ये होता है, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड सेटिंग बहुत आसान था। सेकंड सेटिंग में भी क्वेश्चन को बराबर रखा गया, लेकिन अगर मार्क्स एज लिया जाए और दोनों को विश्लेषण किया जाए तो सेकंड सेटिंग वाला हल्का सा माइनर सा एज है
जो 1 से 2 नंबर का है, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरा जो कटअप पे प्रभाव डाल सकता है वो था, लोग एग्ज़ाम के बाद बहुत हंगामा हुआ कि क्वेश्चन लीक हो गया है, एग्ज़ाम रद्द होंगे। अभी आयोग के तरफ से ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि एग्ज़ाम कैंसिल की जाएगी, इसलिए कि लीक जो हुआ है या लीक हुआ है या नहीं हुआ है उस पर बात बहुत लंबा चलेगा। लेकिन इतना सा है, हल्का सा अगर उसको हम माइनर में हम बता दें, तो सवाल अगर लीक होता तो बड़े पैमाने पर होता। आपको लीक का पता तब चला जब आप एग्ज़ाम हॉल से आए हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखते हुए 90% लोग या 95% लोग ये बात से सहमत होंगे कि एग्ज़ाम हॉल में नहीं पता था कि एग्ज़ाम से पहले नहीं पता था कि एग्ज़ाम लीक हुआ, एग्ज़ाम के बाद हमको पता चला कि लीक हुआ है। हल्का सा माइनर अगर हुआ भी होगा जो प्रभाव डालेगा, हल्का सा माइनर, जबकि आयोग पूरी तरह से सख्त है, पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम लोग पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ पेपर लीक हुआ है। अभी तक उतना नहीं ऑथेंटिक मिला है कि पेपर लीक हुआ है। कोशिश की गई थी, जो उद्भेदन भी हुआ है कई जगह, कई अखबार में आप पढ़े होंगे, मोतिहारी साइड और कई ऐसे जगह, तो कोशिश की गई थी लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। अगर हुए तो माइनर हुए होंगे, जबकि हम लोग उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हुआ भी होगा तो माइनर, जो कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कोई भी प्रभाव। हम एश्योर करना चाहते हैं कि कट ऑफ पे इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सेकंड सेटिंग अगर बनिस्पत फर्स्ट सेटिंग के थोड़ा आसान है तो ये भी प्रभाव नहीं डालेगा, और ना ही लिक वाला ये प्रभाव डालने वाला है। तो अब कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, इसके लिए हम लोग चाहे हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत जल्द, आजकल में एक वीडियो बनाया जाए, बहुत लोगों से राय लिया जो एग्ज़ाम में बैठे उनसे, और बहुत बहुत अनुभव वाले व्यक्तियों से हम लोगों ने राय ली है, और अगला वीडियो जो हमारे कटअप पे आएंगे वो स्पष्ट कर देंगे कि आप को मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या अब तक इतने दिन हो जाने के बाद भी, लगभग 10 दिन हो गए हैं, 10 से 12 दिन होने वाले हैं, और आप उस दौरान क्या, क्योंकि अधिकांश हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग बाउंड्री पे हैं। अब बाउंड्री पे क्या है उनको अपना वो समझ रहे होंगे, लेकिन हम लोग का कोशिश रहेगा कि 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो डाला जाए कट ऑफ वाला, और उस पर जो भी हमारे जो पर्सनल लोग हैं, व्यूअर लोग हैं, उनको ये स्पष्ट करेंगे कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कई लोग भ्रम में होते हैं कि किया जाए कि नहीं किया जाए, जो कि हम लोग स्पष्ट करना है। लेकिन पहला स्पष्ट हम ये करते हैं कि फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग के कंपैरिजन के आधार पे अगर कट ऑफ तय किया जाएगा, या फिर शायद बोलेंगे लोग कि कट ऑफ ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन दोनों के बराबर थे, लीक का मामला बहुत सीमित रहा है, जबकि हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो हम लोग पता है हम लोग को बहुत सीमित रहा है लीक वाला मामला, तो इसका कोई प्रभाव कट ऑफ पे नहीं होगा, कट ऑफ नहीं होगा, और 1-2 दिन के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे कि आपको तैयारी मेंस की करनी चाहिए या नहीं। और फिर मेंस के लिए एक हम लोग सीरीज चलाएंगे, हमारी टीम है, BPRO हैं उसमें, और अभी 10+2 के कुछ शिक्षक भी हैं जो जनरल कंपटीशन में बहुत महारत हैं और सवालों को बहुत बेहतरीन से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, तो उनसे भी राय लेके हम लोग कट ऑफ बहुत जल्द तैयार कर रहे हैं, और उनके सहयोग से हम लोग मेंस के लिए भी आगे सीरीज करेंगे। तब तक के लिए आप एकदम अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग लीक का मामला की वजह से कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, कोई कट ऑफ पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बस। और तब तक के लिए आप अपने, चूँकि जो जेन्युइन तैयारी करने वाले लोग होते हैं उन्हें एग्ज़ाम के अगले दिन 2 दिन बाद से वो फिर अपना तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।